हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक तो आप थंबनेल देख के समझ गया। आप इमेक्स प्लेयर का बैकग्राउंड मोबाइल से सिंपल ट्रिक से आप चेंज कर सकता वन क्लिक पर। आप वीडियो का लास्ट तक देखना, हम वीडियो का अंदर आपको सिंपल ट्रिक से बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है बता दूंगा। उसके पहले आप मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप मेरा चैनल में नया आया तो एक तो लाइक कर दीजिए, हम आज ये वीडियो का 500 लाइक टारगेट करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपल स्टेप से आपको समझाऊंगा कैसे बैकग्राउंड चेंज करना है इमेक्स प्लेयर का। उसके लिए आप इमेक्स प्लेयर प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। करने के बाद आपको देखना है, देखिए इमेक्स प्लेयर प्रो का डाउनलोड किया, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड अलग है। हाँ, आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। कैसे लगाना है अब आपको दिखाऊँगा। आप APK एडिटर पर जाइए, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर APK एडिटर आ गया। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सिलेक्ट APK ऐप, इसके ऊपर एक बार टैप करना है दोस्तों। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेकंड लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ इनपुट ए की, इसके ऊपर आपको लिखना है MX। लिखने के बाद फाइंड वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद MX Player Pro जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड किया, कैसे डाउनलोड करने हैं हम डिस्क्रिप्शन पर आपको दिखा दूँगा। वीडियो का लास्ट तक देखना। आप MX Player Pro का एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल एडिट, इसके ऊपर एक बार टैप करें। टैप करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर इमेजेस, इसके ऊपर एक बार टैप करें। टैप करने के दोस्तों आपको चल जाना है पूरा नीचे। नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो NS10PNG, इसको अच्छा से देखिए, ये वाला NS10.png, इसको ये जो एडिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर एक बार टैप करना। देखिए इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो इमेज लेना चाहते हैं यहाँ पर यहाँ से आप ले सकते हैं इमेज डाउनलोड करके। हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे आपको इमेज लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक इमेज डाउनलोड करके रखा, तो हम इमेज पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ करना नहीं है, आपको सेव वाला बटन पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्किंग ले रहा, देखिए दोस्तों वर्किंग 2 से 3 सेकेंड लगेगा वर्किंग करने के लिए। वर्किंग हो जाएगा तो आपको इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों आप मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और एक तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपको दोस्तों इंस्टॉल बटन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल फिर इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों इमेक्स प्लेयर प्रो इंस्टॉल हो रहा। वीडियो का लास्ट तक देना दोस्तों, आपको सामने लाइव प्रूफ दिखा दे रहा कैसे आपको कोई भी बैकग्राउंड इमेक्स प्लेयर में आप लगा सकता है वो इजीली। दोस्तों आपको ओपन वाला बटन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया सक्सेसफुली, आप भी कर सकते। देखिए दोस्तों आप थंबनेल पे जो बैकग्राउंड देखा वही बैकग्राउंड हम लगा दिया, आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है आपको फिर हम समझा दे रहा। आपको ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, APK एडिटर और MX Player। आप दो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कर सकता। हम पहले जो बताया वो वीडियो का फिर देख के आप कर सकता। उसके लिए APK एडिटर MX Player डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेगा आप, देखिए दोस्तों हम आपको दिखा दे रहा। आपको जाना है मेरा जो वीडियो आप देख रहा, ये मेरा दूसरा वीडियो, आप जो वीडियो वो बैकग्राउंड चेंज का वीडियो देख रहा है यहाँ पर शो करेगा। उसके नीचे आपको टाइटल मिल जाएगा, यहाँ पर टाइटल बैकग्राउंड चेंज का टाइटल मिल जाए। इसको फिर एक बार टैप करने के दोस्तों, टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो जो APK एडिटर और MX Player Pro का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद देखो दोस्तों, टैप करने के बाद यहाँ पर लिंक वाला बटन पर टैप करने के बाद डाउनलोड आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद हम जब पहले स्टेप देखा है वो स्टेप फॉलो करके आप इजीली बैकग्राउंड चेंज कर सकता दोनों एप्लीकेशन से, सिंपल ट्रिक से कर सकता। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। एक तो लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।